हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइकन। लाइकन को बेटा माना जाता है पायोनियर ऑफ बैरन रॉक। जो बैरन रॉक है जिसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रही है, उसके ऊपर सबसे फर्स्ट लेवल पे जो ग्रो करते हैं वो कौन होते हैं? लाइकन। और सेकंड लेवल पे होते हैं बेटा मॉसेस। सेकंड लेवल पे कौन होते हैं? मॉसेस होते हैं, ठीक है। लाइकन के अंदर आपको लगभग 400 जेनरा आपको देखने को मिलेंगे और 1500 स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। लाइकन जो टर्म है ये किसने दिया है? थियोफ्रस्टस सेंटस ने। किसने दिया है? थियोफ्रस्टस ने। लाइकन एक्चुअल में है क्या? जैसा कि हमने एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था, लाइकन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किस किस के बीच में? एल्गी एंड फंगाई के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट लाइकन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में? एल्गी और फंगाई के बीच में। तो इसके दो पार्टनर होते हैं, एक तो होता है एल्गल पार्टनर और दूसरा होता है फंगल पार्टनर। एक तो है एल्गल पार्टनर और दूसरा क्या है? फंगल पार्टनर। अब एनसीईआरटी में ही ये बताया गया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्गल पार्टनर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फाइकोबायोंट। ध्यान रखना, एल्गल पार्टनर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? फाइको। फाइको वर्ड एक्चुअल में एल्गी के लिए यूज होता है, जबकि फंगल पार्टनर के लिए वर्ड यूज होता है माइकोबायोंट। माइको वर्ड बेटा यूज होता है फंगाई के लिए, इसलिए दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, और जिसमें हम एल्गी की स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है फाइकोलॉजी। तो फाइकोबायोंट, ये क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है। इसमें ध्यान रखना, दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसका यही है कि एल्गल पार्टनर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फाइकोबायोंट, और फंगल पार्टनर के लिए क्या यूज करते हैं? माइकोबायोंट। अब क्वेश्चन क्या होते हैं? इसके अंदर जो एल्गल पार्टनर या फंगल पार्टनर जो लाइकन एसोसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी मोस्टली जो लाइकन एसोसिएशन में पाए जाते हैं वो मोस्टली ग्रीन एल्गी होते हैं। मोस्टली क्या होता है? ग्रीन एल्गी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ग्रीन एल्गी इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं? कोको मिक्सा, ट्री बॉक्सिया एंड ट्रंटी पोलिया। ये तीन ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल मैंने बताए हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यूज होता है। हालांकि कई केसेस में साइनोबैक्टीरिया भी यूज हो जाता है लाइकन के अंदर। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के तौर पर साइनोबैक्टीरिया भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया ऐसे कौन कौन से हैं जो लाइकन में एसोसिएट होते हैं, तो एक तो है नोस्टोक, दूसरा है साइटोनीमा, और तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे एग्जांपल आता है एस्कोलाइकन। बेटा और एग्जांपल आपको याद हो या ना हो, आपको ये चीज जरूर याद होनी चाहिए कि लाइकन में जो एल्गल पार्टनर होता है वो मोस्टली ग्रीन एल्गी होता है, बट मे बी साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही फंगल पार्टनर के तौर पर जो इन्वॉल्व होता है, तो फंगाई की हमने कई सारी क्लासेस पढ़ी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोट, बेसिडियो और ड्यूटीरोमाइसिटी। तो 98% केसेस में जो फंगाई लाइकन में एसोसिएट होता है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। इसलिए ऐसे लाइकन जिनके अंदर फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, ऐसे लाइकन को हम कहते हैं एस्कोलाइकन। सिमिलरली जो बाकी के 2% पार्ट आपका बचता है उसमें जो फंगाई इन्वॉल्व होता है, या तो वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है या फिर ड्यूटीरोमाइसिटीज का मेंबर होता है।
तो इसके बेसिस पर लाइकन को कहा जाता है बेसिडियो लाइकन। अगर बेसिडियो माइसिटीज का मेंबर है बेसिडियो लाइकन या फिर ड्यूटीरो लाइकन। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज करने की, क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका एक बार, कि लाइकन में दो कंपोनेंट होते क्लियर हैं। नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि लाइकन के अंदर दो पार्टनर है, एक तो है एल्गल पार्टनर, एक है फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फाइकोबायोंट, और फंगल पार्टनर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइकोबायोंट। एल्गी मोस्टली ग्रीन एल्गी होता है, बट मे बी साइनोबैक्टीरिया। एल्गी कौन सा होता है? मोस्टली ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। फंगाई की अगर हम बात करें तो 98% केसेस में वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, बट मे बी बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है एल्गी में ग्रीन एल्गी, फंगाई में एस्कोमाइसिटीज क्लास। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, इनिशियली तो एल्गी और फंगाई के बीच में ये जो एसोसिएशन थी इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा गया, लेकिन अब इसको सिम्बायोटिक कहने की बजाय या तो कहते हैं हेलोटिज्म या फिर बेटा बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? या तो हम बोलेंगे हेलोटिज्म या हम बोलेंगे मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके केस में जो फंगाई होता है वो एक कंट्रोल्ड पैरासाइट के तौर पर एक्ट करता है, मतलब वो एल्गी को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल्ड पैरासाइट के तौर पर कौन एक्ट कर रहा है? फंगाई एक्ट कर रहा है। इसका मतलब लाइकन की बॉडी का जो बल्क होता है इट इज मेड अप ऑफ फंगस। लाइकन की बॉडी का ज्यादातर हिस्सा किससे बना है? फंगस का बना है। ठीक है, एल्गी हार्डली 5% पार्ट ही कवर करता है। एल्गी कितना पार्ट कवर करता है? हार्डली 5%। मुश्किल से लाइकन के अंदर एल्गल कंपोजिशन सिर्फ कितनी होती है? मुश्किल से 5% होती है। तो सिम्बायोटिक में तो क्या होता है, म्यूचुअली दोनों का बराबर का पार्टिसिपेशन होता है। हालांकि इनिशियली इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है और आज भी हम उसी को यूज करते हैं, लेकिन और एडवांस में अगर आप चलो तो आजकल इसको नेक्स्ट पॉइंट आता है अक्रेंस ऑफ लाइकन। अगर हम लाइकन की अक्रेंस की बात करें तो दे ऑफन ग्रो इन इनहॉस्पिटेबल एरियाज, इनहॉस्पिटेबल एंड अनइनहैबिटेड एरियाज, अनइनहैबिटेड प्लेसेस, जैसे कि मतलब जहां पे नॉर्मली कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? लाइकन। जैसे कि बैरन रॉक, जो रॉक अभी अभी बनी है जिसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है क्योंकि वहां पे सोइल नहीं है। ठीक है, वॉल्केनिक लावा, जो वॉल्केनिक लावा आया है उसके ऊपर भी कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले कौन ग्रो करता है? लाइकन ग्रो करते हैं। आईसी एरियाज, वहां पे भी इनहॉस्पिटेबल एरियाज हैं, अनइनहैबिटेड एरियाज हैं जहां नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? लाइकन। इवन वॉल्स एंड ट्री बार्क्स, इनके ऊपर आपको कॉमनली लाइकन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं कह रही थी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइकन का आता है वो क्या है कि लाइकन आर यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? क्योंकि लाइकन आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे जहां पे पॉल्यूशन होता है। दे कांट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकन कभी भी ग्रो नहीं करते हैं, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना, खास करके
जो पोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ऐसे पोल्यूटेड एरियाज में लाइकन्स ग्रोथ नहीं करते। अगर किसी एरिया में लाइकन्स की मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब वो एरिया पोल्यूशन फ्री है। कैसा है? पोल्यूशन फ्री है। दैट मीन्स लाइकन्स जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लाइकन्स जो होते हैं बेटा, ये पेरिनियल होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिनियल होते हैं। क्यों होते हैं पेरिनियल? बिकॉज देयर ग्रोथ इज स्लो। ध्यान रखना, लाइकन्स जो हैं वो स्लोली ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इवन जो आर्कटिक एरिया के लाइकन्स हैं तो वो तो आपको लगभग लगभग 45 ईयर ओल्ड में मिल जाते हैं। कितने ओल्ड मिल जाते हैं? 4500 ईयर ओल्ड, 4500 साल पुराने लाइकन भी आपको देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स इनका लाइफ स्पेन क्या है? बहुत बड़ा है। ये पेरिनियल होता है, स्लो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। इसकी जो कुछ स्पीसीज है, सम स्पीसीज ऑफ लाइकन आर ईटन बाई रीनडियर। रीनडियर इसको कंज्यूम कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोनिया रेंगीफेरिना, क्लेडोनिया रेंगीफेरिना जो इसकी स्पीसीज है, इट इज कंज्यूम्ड बाई आपके रीनडियर, इसको कंज्यूम कर देते हैं। इसलिए क्लेडोनिया रेंगीफेरिना को रीनडियर लाइकन भी कहा जाता है, या इसको हम ग्रे रीनडियर लाइकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे रीनडियर लाइकन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने कहा लाइकन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, किस किस के बीच में? एल्गी और फंगाई के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट का फंक्शन क्या है? तो एल्गी आपको पता है, एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या करेंगे? फूड को सिंथेसाइज करेंगे। और अगर एल्गी में आपका साइनोबैक्टीरिया आ रहा है, क्या आ रहा है? साइनोबैक्टीरिया आ रहा है, तो वो एक एडिशनल फंक्शन भी कर देगा, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये तो है एल्गल पार्टनर के फंक्शन। अगर हम फंगल पार्टनर के फंक्शंस की बात करें तो फंगल पार्टनर क्या करता है? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ध्यान रखना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये वाटर और मिनरल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एंड इवन प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गल पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे फंगस डोमिनेटिंग है तो वो एल्गल पार्टनर को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, रहने के लिए जगह देता है उसको, और साथ में वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लाइकन्स आपको अलग अलग कलर के देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कलरेशन की बात करें तो इनके अंदर येलोइश कलर भी देखने को मिलता है, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश कलर भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रेइश, ऑरेंज। तो अलग अलग टाइप के कलर आपको देखने को मिलेंगे। ये हमने कलर्स की बात की, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कलरेशन होता है ये कौन डिसाइड करते हैं? इनके फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट। कौन डिसाइड करेगा? फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट डिसाइड करेंगे। जैसे कि असनिक एसिड क्या होता है बेटा? ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है। तो ये क्या करेगा? एल्गी को एक वैरायटी ऑफ कलर प्रोवाइड करते हैं बेटा। ये जो कलरेशन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, तो ये जैसे कि असनिक एसिड जो है वो येलो कलर का पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है,
तो ये हो गया कल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लाइकन। लाइकन के टाइप्स हम किसके बेसिस पर स्टडी करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप के बेसिस पर हम उनको कहते हैं क्रस्टोस, पॉलियोस और फ्रूटिकोस। क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। क्रस्टोज में अपीयरेंस कैसी होगी? क्रस्ट लाइक। फोलियोज में अपीयरेंस कैसी होगी? रिंकल्ड लीफ लाइक। रिंकल्ड लीफ की जैसी अपीयरेंस होती है। विच आर अटैच टू सबस्टेटम। जो सबस्टेटम से अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रहीजीनी। जैसे राइजोइड्स हमने पढ़े हैं ना, वैसे ही इनके केस में क्या देखने को मिलेंगी? रहीजीनी। इसको हम इनके केस में एंकरिंग हाइफे बोलते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। फोलियोस टाइप का जो लाइकन होता है, इसके अंदर जो अपीयरेंस होती है वो रिंकल्ड लीफ लाइक होती है, जिसमें इसकी जो बॉडी होती है वो सबस्टेटम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ रहीजीनी। रहीजीनी रूट की तरह काम करता है इनके अंदर, तो इसलिए इसको एंकरिंग हाइफे भी कहते हैं। फ्रूटिकोस में जो अपीयरेंस होती है एट ए ब्रांच्ड लाइक ए बुश, झाड़ी की तरह की अपीयरेंस होती है, ब्रांच्ड लाइक ए बुश। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्रेस्टोज लाइकन का एग्जाम्पल आता है ग्राफिस, और दूसरा एग्जाम्पल है हिमाटोनीमा, हिमाटोमा। इसी तरीके से फोलियोज का एग्जाम्पल आता है कोरा। कोरा जो है फंगाई में ब्रैकेट फंगाई से रिजेंबल करता है, पार्मेलिया जो ब्रैकेट होता है उससे रिजेंबल करता है। फ्रूटिकोज के एग्जाम्पल आ जाता है क्लडोनिया। तो मैंने तीन टाइप्स आपकी बताई, क्रस्टोज क्रस्ट लाइक, फोलियोज रिंकल्ड लीफ लाइक, और फ्रूटिकोज ब्रांच्ड लाइक ए बुश। ठीक है, कुछ और भी टाइप्स होती है, कॉमनली तो यही फॉर्म होती है, जैसे कि लैप्रोस। लैप्रोस में जो अपीयरेंस होती है वो पाउडरी होती है। बाइसोइड्स, बाइसोइड में विस्पी अपीयरेंस होती है, दैट मीन्स लाइक टीज्ड वूल, टीज्ड वूल की तरह की अपीयरेंस होती है, लाइक टीज्ड वूल। ठीक है, तो ये तो है इनके केस में किसके बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। अब सेकंड लास्ट पार्ट इसका आता है रिप्रोडक्शन। ये फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है डिटेल के अंदर। रिप्रोडक्शन में तीनों मोड्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होती है बाय डेथ एंड डिके, या तो डेथ एंड डिके हो जाता है या फिर फ्रेगमेंटेशन से भी कर लेते हैं, क्योंकि डेथ एंड डिके की वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन का ही मेथड होता है, या फिर डेथ एंड डिके होने की वजह से, फ्रेगमेंट डायरेक्टली भी बन सकते हैं और डेथ एंड डिके की वजह से भी बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ फंगल पार्टनर इन्वॉल्व होता है, एल्गल पार्टनर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ओनली फंगल पार्टनर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो चार कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, सोरेडिया, एसिडिया, सिफेलोडिया एंड साइफेली। ठीक है, तो सोरेडिया में क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके अंदर जो एक्चुअल स्पोर होंगे दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इनसाइड सोराई, क्योंकि यहां पर जो स्पोर बन रहे हैं वो सोराई के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको सोरेडिया बोल रहे हैं। सोराई या पश्यूल्स के अंदर आपके स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सोरेडिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोरेडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्यू एल्गल सेल, कुछ एल्गल सेल जो है वो सेंटर में होंगी, एंड इट इज सराउंडेड इनकम्प्लीटली बाई ए वेफ्ट ऑफ फंगस।
इनकम्प्लीटली सराउंडेड होता है किसे, वेफ्ट ऑफ फंगस, मतलब फंगाई इस एल्गल कंपोनेंट को कंप्लीटली सराउंड नहीं करता है, इनकम्प्लीटली सराउंड करता है, ठीक है। एंड इट फॉर्म लाइकन, न्यू लाइकन कब बनाएगा, आफ्टर फॉलिंग ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम, एट फॉर्म न्यू लाइकन आफ्टर फॉलिंग ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, आफ्टर फॉलिंग ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सोरेडिया में क्या होता है बेटा, सोरेडिया वर्ड इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि जो एक्चुअल स्पोर्स होते हैं वो सोराई के अंदर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। होता क्या है, इसमें सेंटर में तो फ्यू एल्गल सेल्स होती हैं और वो इनकम्प्लीटली सराउंड होती हैं वेफ्ट ऑफ फंगस, और जब इस सोरेडिया को एक नया सबस्ट्रेटम, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो ये न्यू लाइकन्स में मॉडिफाई हो जाता है। इसके विपरीत एसिडिया क्या होते हैं बेटा, एसिडिया जो स्ट्रक्चर होती है दे आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ, वो सुपरफिशियल आउटग्रोथ है और इनका मेन पर्पस होता है, स्टार्टिंग में तो इनका पर्पस था टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। एसिडिया जो है उनका प्राइमरी फंक्शन था सरफेस एरिया को बढ़ाना, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना। इसमें और सोरेडिया में क्या फर्क है, इसके अंदर भी एल्गल सेल की कोर होती है, किसकी कोर होती है, एल्गल सेल, लेकिन इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई शीथ ऑफ फंगस, ये कम्प्लीटली सराउंडेड होती है किसे, शीथ ऑफ फंगस से। और एक सुटेबल सबस्ट्रेटम इसको जब मिल जाएगा तो ये भी क्या बना लेगा, एक न्यू लाइकन बना लेगा, क्या बना लेगा, न्यू लाइकन बना लेगा। तो ध्यान रखना सोरेडिया मेनली रिप्रोडक्शन के लिए ही बनते हैं, लेकिन एसिडिया का प्राइमरी फंक्शन होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। सोरेडिया में कोर तो होती है एल्गी की, लेकिन वो इनकम्प्लीटली सराउंडेड होता है फंगस से, यहाँ पर भी कोर एल्गी की होती है लेकिन फंगाई पूरी की पूरी शीथ बनाना है इसके चारों तरफ। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज सिफेलोडिया। तो सिफेलोडिया की अगर हम बात करें तो दीज आर स्वेलिंग्स ऑन सरफेस ऑफ लाइकन, ये क्या है, लाइकन के सरफेस पे कुछ स्वेलिंग्स है, और इसके अंदर भी एल्गी और फंगाई दोनों कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइफेले, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो साइफेले, ये तो सिफेलोडिया जो थी वो तो स्वेलिंग थी, और साइफेले जो होंगे वो डिप्रेशंस होंगे, दीज आर डिप्रेशंस और कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ लाइकन, वो तो स्वेलिंग होती है और साइफेले क्या होता है, डिप्रेशन। एक्चुअल में साइफेले क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर है दे आर एनालोगस टू स्टोमेटा, स्टोमेटा के एनालोगस है, एनालोगस मतलब फंक्शन तो सेम है लेकिन ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये स्टोमेटा की तरह गैसियस एक्सचेंज में भी यूज होती है, किसमें यूज होती है, गैसियस एक्सचेंज में। तो ये चार मेथड हमने इसके अंदर पढ़े ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सोरेडिया, एसिडिया, सिफेलोडिया, साइफेले। सोरेडिया में सोराई के अंदर स्पोर बन रहे थे, सेंटर में एल्गी था जो कि इनकम्प्लीटली सराउंडेड था किससे बेटा, फंगस से। एसिडिया में इनिशियली ये स्ट्रक्चर होती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए या फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, एल्गी और फंगाई दोनों होते हैं, एल्गी सेंट्रल कोर बनाता है, फंगाई उसके चारों तरफ शीथ बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सिफेलोडिया, ये लाइकन के सरफेस पर स्वेलिंग होती है। फोर्थ आता है साइफेले, ये लाइकन के सरफेस के ऊपर डिप्रेशन और कैविटीज होती है विच आर एनालोगस टू स्टोमेटा। अब लास्ट पार्ट आता है लाइकन के फंक्शन, तो सबसे मेन फंक्शन या इसकी सिग्निफिकेंस तो क्या है बेटा,
सबसे मेन तो यही है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, और खास करके कौन से पॉल्यूशन का काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार पेपर में आता है। दूसरा, इसकी कुछ स्पीसीज दे आर ईटन बाई रेनडियर, हमने अभी डिस्कस किया था, इसके कुछ स्पीसीज जो है उनको कौन कंज्यूम करता है, रेनडियर कंज्यूम करता है। इवन दे आर सोर्सेज ऑफ एसेंस, धूप एंड हवन सामग्री जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, धूप यूज करते हैं, अगरबत्ती यूज करते हैं, एसेंसेज यूज करते हैं, और हवन सामग्री हम यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है, लाइकन्स को भी यूज किया जाता है। और फोर्थ मेन इसका फंक्शन आता है डाइस को बनाने में, जैसे कि एक बायोलॉजिकल स्टेन होती है ऑर्सिन, ऑर्सिन बायोलॉजिकल स्टेन जो है ये हमें किससे ऑब्टेन होती है, रोसेला टिंक्टोरिया से, किससे ऑब्टेन होती है, रोसेला टिंक्टोरिया। इसी तरीके से बेटा ध्यान देना, जो लिटमस डाई है, लिटमस पेपर हम केमिस्ट्री लैब में यूज भी करते हैं, लिटमस जो यूज डाई है जिसको मेनली एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है, ये जो डाई है ये भी किससे ऑब्टेन होती है, लाइकन से ऑब्टेन होती है, कौन सा, रोसेला मोंटेग्नी, कौन सा लाइकन है बेटा, रोसेला मोंटेग्नी। तो रोसेला मोंटेग्नी से तो लिटमस ऑब्टेन होता है, रोसेला टिंक्टोरिया से ऑर्सिन ऑब्टेन होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दैट इज लाइकन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइकोरेजा के बारे में।